हेलो मेरे टेक के दीवानों, कैसे हो? हाँ भाई, बहुत लोगों ने बोला कि भाई कहाँ हो, कुछ काम में बिजी था तो वीडियो नहीं डाल पाया। ट्राई करूँगा कि अब कभी वापस गायब ना हो जाऊँ। तो आज की वीडियो तो बहुत मस्त होने वाली है। अगर कोई है जिन्हें अच्छा लैपटॉप चाहिए अंडर 40,000, तो सही जगह आए हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का खेला बिना किसी रुकावट के। तो पहला नंबर पे आता है भाई डेल वेस्ट्रो 3401 थिन एंड लाइट i3 लैपटॉप। चलो थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ इस लैपटॉप का। अगर प्राइस की बात करूँ तो ये 41,990 रुपीज़ का मिलता है। अगर रेटिंग्स की बात करूँ तो भाई 5 out of 4 की रेटिंग इसको मिली हुई है। जो प्रोसेसर आता है इसके अंदर वो है इंटेल का कोर i3। सिस्टम की बात करूँ तो भाई इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज 10 होम आपको मिलता है। मेमोरी की बात करूँ तो 8GB की रैम आती है। ग्राफिक्स इसके अंदर इंटीग्रेटेड है इंटेल के USD ग्राफिक्स। स्टोरेज की बात करूँ तो भाई 256GB की SSD दी गई है, मतलब फास्ट वाला जो हार्ड डिस्क होता है वो दिया हुआ है इसके अंदर। डिस्प्ले की बात करूँ तो भाई इसके अंदर 14 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले आती है, वो भी एंटी ग्लेयर LED के साथ। बैटरी लाइफ की बात करूँ तो भाई कंपनी का दावा है कि बैटरी जो है अप टू 10 आवर्स तक चल सकती है। ये डेल का 14 इंच नोटबुक है जो इंटेल के 10th जनरेशन कोर i3 प्रोसेसर और 8GB रैम जो DDR4 है उसके ऊपर चलता है। इसकी रैम तो एक्सटेंड नहीं कर सकते, पर 8GB बहुत है यार। ऑफिस और जो रैम हंग्री सॉफ्टवेयर नहीं है ना, उन्हें रन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिक्योरिटी, यस भाई, इसकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है। इसमें एम्बेडेड सिक्योरिटी चिप दी है, द TPM 2.0 चिप। जनरेट्स एंड स्टोर्स इंक्रिप्टेड कीज एंड पासवर्ड्स। बाय द वे, ये चिप आपका डेटा जो है ना हमेशा प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर थ्रेट्स, दैट्स फॉर श्योर। अनदर बेनिफिट इस लैपटॉप की यह है कि इसमें 256GB की SSD आती है जो ऑफिस वर्क, ट्रेडिंग और अदर मल्टीपल टास्क करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करूँ तो इसमें USB 3.2 Gen 1 पोर्ट, USB 2.0 पोर्ट, RJ45 ईथरनेट पोर्ट, HDMI 1.4 पोर्ट और USB 2.0 पोर्ट है। बस एक चीज़ इसमें नहीं है, वो है USB टाइप सी पोर्ट। चलो इसकी अच्छाई की बात करूँ तो भाई इसके अंदर आपको मिलेगी भाई सुपीरियर क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी। फास्ट स्टोरेज मिलेगी जो SSD इसमें यूज़ की है। कॉम्पैक्ट एंड रिलायबल बैटरी लाइफ है और 8GB रैम विद इन दिस प्राइस बहुत मुश्किल है भाई। चलो नेक्स्ट वाले आइटम पे आते हैं जो है HP 15, मतलब 15.6 इंच थिन एंड लाइट राइजन 3 3250 लैपटॉप, मे बी दैट्स मॉडल नंबर। इसके भी ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। तो प्राइस की बात करूँ तो ये 38,290 रुपीज़ का मिलता है। इसकी भी रेटिंग 5 out of 4.1 मिली है। प्रोसेसर की बात करूँ तो इसके अंदर ड्यूल कोर AMD Ryzen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है। स्पीड की बात करूँ तो भाई 2.6 GHz बेस क्लॉक, अप टू 3.5 GHz मैक्स बूस्ट क्लॉक, 4MB L3 कैशे, 2 कोर्स इसके साथ में आती है। अगर सिस्टम की बात करूँ तो इसके अंदर विंडोज 10 होम 64-bit फ्री अपग्रेडेड टू विंडोज 11 मिलती है। मेमोरी की बात करूँ तो इसके अंदर भी 8GB रैम जो आती है वो DDR4 आती है। रैम की बात करूँ तो 8GB की DDR4 रैम आती है जिसे आप एक्सपैंड कर सकते हो अप टू 16GB तक। ग्राफिक्स की बात करूँ तो भाई इसके अंदर AMD का Radeon Vega 6 ग्राफिक्स मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ तो 256GB की SSD स्टोरेज इसके साथ में भी आती है। डिस्प्ले की बात करूँ तो भाई 15.6 इंच का फुल HD विथ IPS एंड एंटी ग्लेयर स्क्रीन आती है। बैटरी लाइफ थोड़ा कम है कम्पेयर टू जो पहले बताया था। इसकी जो बैटरी लाइफ है वो है 5 to 6 hours। अब डिटेल में बात कर लेते हैं। AMD Radeon Vega 6 ग्राफिक्स ऑफर्स बेटर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस दैन द इंटेल UHD 620 ग्राफिक्स। आपको पता है? नहीं पता है ना, मैं बता रहा हूँ ना भाई, सुन तो लो फिर। यह HP का 15 इंच का लैपटॉप 8GB रैम के साथ आता है। थिन माइक्रो एज डिज़ाइन आपको हमेशा कनेक्टेड रखेगा और इसमें भी 256GB की SSD आती है। यह HP 15 इंच लैपटॉप वॉज डिज़ाइन टू एंटरटेन एंड कीप यू प्रोडक्टिव। चलो इसकी अच्छाई के बारे में बात कर लेते हैं जाने से पहले। तो भाई इसके अंदर का जो AMD Radeon Vega 6 ग्राफिक्स है वो आपको अलाउ करता है कि आप इसके अंदर गेम भी खेल पाओगे। अपग्रेडेबल है इसकी रैम जो 16GB तक है, जो पहले वाले लैपटॉप में नहीं आती थी। तो नेक्स्ट है भाई डेल इंस्पायरन
3505 15.6 फुल HD, दैट्स अ प्रीटी लॉन्ग नेम। हाँ, अब राइजन की बात चली रही है तो डेल कैसे पीछे रहेगा। लो भाई, बस थोड़ा महंगा है 40,000 से, अच्छा है इसलिए लिस्ट में डाला है। इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो प्राइस है भाई इसकी 44,999 या 45,000 तक आएगा आपको। प्रोसेसर टाइप जो है वो AMD Ryzen 3 जैसे हम इसके पहले वाला लैपटॉप था सेम मिलेगा। स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें भी आपको 256 GB की SSD मिलेगी। रैम की बात करूँ तो 8 GB की DDR4 रैम आती है। ग्राफिक्स की बात करूँ तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है AMD APU के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको विंडोज़ होम मिलता है। बैटरी लाइफ जो है 10 आवर्स तक इसकी भी मिलती है। और डिस्प्ले की बात करूँ तो भाई 15.6 इंचेस की फुल HD विथ इंटेल HD ग्राफिक्स वाला डिस्प्ले। चलो थोड़ा डिटेल में बताया जाए आपको अभी ये सीन क्या है इसका। डेल का ये लैपटॉप लाइट वेट, पोर्टेबल और इजी टू कैरी एनीवेयर वाला आइटम है। इसकी स्लिक एक्सटीरियर इसे बहुत ही आई कैचिंग बनाती है। AMD Ryzen प्रोसेसर्स डिलीवर करता है इनक्रेडिबल रिस्पॉन्सिवनेस और स्मूथ अनइंटरप्टेड मल्टीटास्किंग। और इसकी 8 GB रैम आपके लैपटॉप को बहुत फास्ट बनाता है फॉर एनी जॉब। इसके नैरो टू साइडेड बॉर्डर्स आपको मस्त वाली स्क्रीन एक्सपीरियंस देती है। रही बात एंटरटेनमेंट की तो भाई अल्टीमेट पर्सनल थिएटर वाला एक्सपीरियंस मिलेगा विथ डेल सिनेमा। दिस इंक्लूड्स फैंटास्टिक कलर्स, साउंड एंड स्ट्रीमिंग। चलो थोड़ी इसकी अच्छाई इसकी बात करी जाए तो भाई इसके अंदर जो आती है आपको 8 GB रैम बेस्ट फॉर मल्टीटास्किंग, गुड बूटिंग स्पीड विद इन दिस प्राइस रेंज, लाइट वेट एंड पोर्टेबल, 256 GB की SSD। तो ये थे वो तीन लैपटॉप जो वैल्यू फॉर मनी है। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 40,000 में क्या कचरा लेके आ गया, तो देखो और सोचो कि क्या लगता है आपको और नीचे कमेंट करके बताना। तो भाई लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे चैनल की भी हेल्प हो जाएगी। तो मैं हूँ योमी और आप देख रहे थे योमस्टिक चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।